नमस्कार, मैं गुंजना। आप देख रहे हैं सो का टाइम। दिन की शुरुआत है सुविचार के साथ। आज का सुविचार, मुश्किलें वे औजार हैं जिनसे ईश्वर हमें बेहतर कामों के लिए तैयार करता है। ये कहा है HW टीचर ने। आइए अब नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 खबरों पर। अमेरिका में चुनाव, 50 में से 30 राज्यों के नतीजे आए। 20 राज्यों में ट्रंप, 10 राज्यों में जीती कमला। 7 राज्य तय करेंगे कौन बनेगा राष्ट्रपति। जयशंकर बोले, बॉर्डर से पीछे हटी भारत चीन सेनाएं, जल्द मिलेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्री और NSA। 21 अक्टूबर को हुआ था समझौता। थाईलैंड ने अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाई वीजा फ्री एंट्री। इंडियन ट्रेवलर्स घूम सकेंगे बिना वीजा थाईलैंड। 30 दिनों के लिए मिलेगी एंट्री। पाकिस्तान आर्मी चीफ का बड़ा कार्यकाल 3 नहीं 5 साल का होगा। दावा, फौज को लुभाने के लिए शहबाज सरकार ने लिया फैसला। SC बोला, सरकारें सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं कर सकती कब्जा। हर निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं। 45 साल पहले दिया अपना ही फैसला पलटा। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर, कुपवाड़ा के लौलाब जंगल में एक आतंकी ढेर। बांदीपोरा में मारा गया दहशतगर्द, सर्च ऑपरेशन जारी। MiG-29 क्रैश होने के बाद पायलट उतरे पैराशूट से। ग्रामीणों ने की मदद, मिलिट्री हॉस्पिटल तक पहुंचाया। सूर्य उपासना और अटूट श्रद्धा का महापर्व छठ शुरू। यमुना के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 7 नवंबर को संध्या अर्घ देने के दिन दिल्ली सरकार ने अवकाश की घोषणा। IPL ने किया मेगा नीलामी को लेकर बड़ा ऐलान। IPL आधिकारिक एक्स हैंडल ने दी जानकारी। 24-25 नवंबर को सऊदी अरब में होगा आयोजन। दिल्ली में दिखने लगा ठंड का असर, कोहरा और धुंध आई नजर। 15 नवंबर के बाद गिरेगा तापमान। फिलहाल फटाफट 10 खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए सोका टाइम्स के साथ। खबरें अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सेहत की बारी, आज का सेहत टिप्स। सबसे पहले रखें सेहत का ध्यान, स्टैंडिंग डेस्क का करें उपयोग। यदि संभव हो तो काम पर स्टैंडिंग डेस्क का उपयोग करें। काम करते समय खड़े रहने से लंबे समय तक बैठने के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं, जैसे कि पीठ दर्द और मांसपेशियों में अकड़न। आप पूरे दिन बैठने और खड़े होने के बीच बारी बारी से काम कर सकते हैं। यदि आपके पास स्टैंडिंग डेस्क नहीं है तो स्टैंडिंग मीटिंग शेड्यूल करें या कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान खड़े रहें।